सभा द्वारा आयोजित 8वां सामूहिक विवाह समारोह भुज में आज संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान गुजरात राजपूत समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थिति रही। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना, करणी सेना की महिला शाखा की प्रमुख रीबाबा रविंद्र सिंह जडेजा, राजनेता श्री आई के जडेजा, क्षेत्रीय समाज के अध्यक्ष एमएलए श्री वीरेंद्र सिंह जडेजा, एमएलए श्री प्रद्युम्न सिंह जडेजा, कच्छ जिला प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह सोडा सहित अनेक अनुभवों की अनुपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें 69 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો હું હાર્ટીએસ્ટ થેન્ક અને અભિનંદન પાઠવીશ કે કચ્છ રાજપૂત ક્ષત્રિય સભા દ્વારા આજે આટલી બહોળી સંખ્યામાં કે 69 જોડાઓના જે વિવાહ ઉત્સવ સંપન્ન થયો છે તેમના માટે બહુ બધા અભિનંદન. અને બસ મહિલાઓને એટલી જ કે સમાજમાં પ્રવર્તમાન જે કુરિવાજો છે કે જે છૂટાછેડા છે, જે પીવાનું જે દૂષણ છે, એ આપણે આ પ્લેટફોર્મ અને આ માધ્યમ દ્વારા આપણે છોડીએ, આ બધીઓને સમાજમાંથી દૂર કરીએ. અને એક કચ્છ કી પાવન ધરા મેં सब आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के अनुरूप. आपके दो शब्द. आज का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन था 8वां, और मेरे कच्छ जिला अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने ये प्रोग्राम करवाया, और उन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. कच्छ में ऐसा सात्विक प्रोग्राम होता रहे, करणी सेना की तरफ से हमारा हमेशा सहयोग रहेगा. और आज गुजरात की धरती से हमने एक आह्वान करा GMDC ग्राउंड भरने का. तो मैं बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमने आज से 1.5 साल पहले रीबाबा भी वहाँ विराजमान थे. मैंने यहाँ एक मांग करी थी मोदी जी से कि जो स्टैचू यूनिटी ऑफ स्टैचू है उस पे हमारे रजवाड़ों के भी एक एक स्टैचू लगनी चाहिए, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए उसको एक करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, सब कुछ अपना रियासत दे दी बिना झिझके है एक मिनट में. तो फिर उनका भी स्टैचू वहाँ लगना चाहिए. और उस पर मोदी जी ने संज्ञान भी लिया, बात भी करी कि नहीं हम लोग करेंगे, पर उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही. और GMDC ग्राउंड भरने के लिए जो 2-5 मुद्दों की हमें जरूरत है, हमें एकता की जरूरत है कि राजपूत समाज गुजरात का कितना एक है. तो अगर GMDC भरने से ही अगर इन मुद्दों पे बात की जाएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं. राष्ट्र के उत्थान के लिए राजपूत